हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसमें जो टोटल्स क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की संख्या लगभग अप्रॉक्स 120 के आसपास क्वेश्चन है। क्वेश्चंस पूरे हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बायो के क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। अगर बोले तो कम से कम 25 से 30 मिनट इस वीडियो को कंप्लीट करने में लगेगा। तो जल्दी से हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे विद आंसर, और वीडियो को हम जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी ना बने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और एनसीआर है, एनसीआर को देखते रहिए, क्योंकि लाइव आना थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट लगता है, डाटा ख़त्म हो जाता है। और दोपहर वगैरह हम सोचते हैं, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि दोपहर में नहीं सर, शाम को ही लाइव आइए, और मैक्सिमम का डाटा वगैरह ख़त्म रहता है, वो 15 से 20 कनेक्ट होते हैं, तो उतना अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे अगर ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होती है तो काफ़ी ज़्यादा लोग देख भी लेते हैं और हेल्प भी मिल जाती है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हो, क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द ऑप्शन इसका देखिए बी करेक्ट है। हम सीधा ऑप्शन की तरफ जाएंगे। बायो की क्वेश्चन आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। बायो है इसलिए बायो में आपको कम समय भी लगना चाहिए अगर आप बायो की स्टूडेंट हैं तो। द इनलार्जमेंट इन द पेनिस इज कवर्ड बाई ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम फोर स्किन भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसपोर्ट ट्यूब लीडिंग टू द फॉर्म ऑफ ब्लेडर टू विच ब्रिंग्स यूरिन आउटसाइड द बॉडी ऑफ वाया पेनिस, मतलब जो है तो किसके थ्रू बाहर होता है। तो ये बता रहा है ऊपर आगे जो है होता है यूरेथ्रल मीटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ब्लेडर टू विच ब्रिंग्स यूरिन आउटसाइड द बॉडी वाया पेनिस। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यूरेथ्रा मीटस, वही ऊपर का ही क्वेश्चन है। वास इफ्रेंसिया आर दी डक्टलेस लीडिंग फ्राम दी, वास इफ्रेंसिया आर दी डक्टलेस लीडिंग्स फ्राम रेटिटेस्टिस टू वास डिफरेंसेस। ये क्वेश्चन अभी तक जो होता हुआ है, 4-5 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऑर्डर के ऊपर हैं। तो ऑर्डर आप जरूर याद रखेंगे, मेल का और फीमेल का। मेल का तो ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट शेप्ड लाइक एन अपसाइड डाउन पियर्स विथ थिक लाइनिंग एंड म्यूकस इन द पेल्विक एरिया, ठीक है, वियर द फर्टिलाइजेशन एग एंड जाइगोट कम्स टू ग्रो इनटू बॉडी कॉल्ड यूट्रस। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है बॉडी का। यहाँ क्या पूछ रहा है, फर्टिलाइजेशन एग या जाइगोट कम्स टू ग्रो इनटू बॉडी, मतलब ग्रो इनटू बॉडी फर्टिलाइजेशन का जो पोर्शन आ रहा है, फिर यहाँ पे ग्रो हो रहा बॉडी में, वो कौन सा रीजन है, यूट्रस, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैक शेप्ड लाइक इन अपसाइड पियर्स, यही क्वेश्चन है, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्पर्म इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, इमेच्योर मेल जर्म सेल से ही बनता है। इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट मैचुरेशन डिवाइडेड इज कॉल्ड, फर्स्ट मैचुरेशन डिवाइडेड इज कॉल्ड, जो पहली बार डिवीजन होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है। आप बताएंगे जो है मियोटिक डिवीजन कब होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। स्पर्मेटिस आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म बाई प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, आपको पता होगा। स्पर्मेटिस आर ट्रांसफर इनटू स्पर्म बाई द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू, मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू किस स्टेज में, सेकेंडरी यूसाइट में डिफरेंशिएट होते हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहले मियोटिक डिवीजन के बाद जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनता है। द वास डिफरेंशिया रिसीव्स डक्ट्स फ्रॉम द सेमिनाइलर वेसल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज यूजुकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। यूरेथ्रल मीटस रिफर्स टू द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मारूला इज द डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। कार्पस ल्यूटियम्स डेवलप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, कार्पस ल्यूटियम डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, LH, FSH, एस्ट्रोजन, ऑल ऑफ दीज आप लगा के आएंगे, लेकिन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम्स प्रोड्यूसेस। कार्पस ल्यूटियम्स क्या प्रोड्यूस करती है, कार्पस ल्यूटियम एक जो है इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है, आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब प्रोजेस्ट्रॉन का आपको फंक्शन वगैरह पता होना चाहिए। द मेम्ब्रेनस कवर्स ऑफ द ओवम एट द ओवल्यूशन इज, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवल्यूशन इज, करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा और जोना रेडिएटा इसका आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, सारे का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर,
आर्डर पूछता है, आइडेंटिफाई द आर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको आर्ड चुनना, आर्ड क्या है, लेबिया मेजोरा, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, इसके बाद इस्थमस, आर्ड इसमें से लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा पार्ट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो सारे पार्ट होंगे लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा आपको पता होगा, माइनोरा मेजोरा ये सारी चीज़ें अलग हो गई, क्लाइटोरिस, फिमरी, इनफंडस, इस्थमस, ये यहाँ फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट हो गया जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट इज, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है डेवलपमेंट का, करेक्ट सीक्वेंस ए हो जाएगा, पहले होता है फर्टिलाइजेशन, इसके बाद होता है जाइगोट, इसके बाद होता है क्लीवेज होता है, फिर मारूला होता है, ब्रास्टुला होता है, फिर गैस्टुला होता है। सेकंड में हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ब्रास्टुला, गलत, फर्टिलाइजेशन क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन के बाद सीधा क्लीवेज होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, तो ऑप्शन सी तो एकदम पूरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ अगर हम जाएंगे तो थर्ड पे जो है ब्रास्टुला नहीं होगा, थर्ड पे क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद मारूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दी बिगनिंग ऑफ दी मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन के समय जो हार्मोन्स करेक्ट सिक्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टान, इस सीक्वेंस में हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इमीडिएटली आफ्टर दी ओवुलेशन एंड मेमेलियन एग इज कवर्ड बाय दी मेम्ब्रेनस नोन एज, मेम्ब्रेन नोन एज, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जोना प्लेसिडा। इमीडिएटली आफ्टर ओवल्यूशन पूछ रहा है यहाँ पे, इमीडिएटली आफ्टर ओवल्यूशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाई द मेम्ब्रेन नोन एज जोना पेलुसिडा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एंजाइम आपको पता होना चाहिए, इस एंजाइम के बारे में, इज द लिटिक एंजाइम्स रिलेटेड बाई द स्पर्म, यही जो है आगे चल के जो है वो करवाता है, जो है मतलब आगे जब फ्यूज होता है तो एंजाइम जो है डिजॉल्व होता है, तो अभी तक तो कंफर्म ये पता नहीं लग पाया है, जो मेल स्पर्म है फीमेल में जाता है तो उसके अभी कुछ डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा हैं जो मतलब अभी रिसर्च फील्ड में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कंप्लीट तौर पे डिस्कवर भी नहीं है। हाउ मेनी ऑटोसोम्स डस ए ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स में कितने पूछ रहा है, तो 44, वन इधर से आएगा हो जाएगा 46। वियर डस द ओवम रिसीव द स्पर्म, वेजिटल फॉल, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ऑप्शन ये दोनों एक ही हैं, फिर नन ऑफ दी अबव, तो वेजिटल फॉल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट, ह्यूमन स्पर्म कैसे फ्लेजला की सीलिया या न्यूट्रोफिस या नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन -96 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म इज ए कंडीशन वियर वन आर बोथ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम, वन ऑफ बोथ टेस्टिस आर नॉट डेवलप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वन आर बोथ टेस्टिस फेल्ड टू डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इज सेकेंडरी ओसाइड स्टेज, गोनाड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक इन मेसोडर्म, ओरिजिन आप ध्यान रखें मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन हो गया दो। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पूछ रहा कितने स्पर्म बनेंगे। अकर्स ऑफ लीडिंग सेल्स एंड दियर सिक्रीशन इज टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन, यही मतलब जो है सिक्रेट होता है। मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पजेस माइट्रोकांडिया ओनली, मिडिल पीस माइट्रोकांडिया कंटेंट करती है। फर्टिलाइजेंस आर इमिटेड बाई मेच्योर एग, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज एक्स क्रोमोजोम ओनली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज एक्स क्रोमोजोम वन, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग्स सेल्स आर, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, इंट्रूजन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड एग न्यूक्लियस अकर्स, इंट्रूजन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज एक्स क्रोमोजोम, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर
टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम न्यूक्लियस अकर हो चुका है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकेंड पोलर बॉडी ये फॉर्मेशन हो जाता है। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाई, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाई विच सेल, लीडिंग सेल। एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाई, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाई रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन। ओवल्यूशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ओवल्यूशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऊपर हो चुका है। 28 दिन ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवल्यूशन अकर्स ऑन 14 डे, 14 दिन पे ओवल्यूशन होता है अगर साइकिल चल रही है 28 दिन की, और ओवल्यूशन का टाइम जो है ये चेंज होता रहता है अगर साइकिल के जो है पीरियड्स बढ़ जाते हैं, मतलब टाइमिंग बढ़ जाता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म डिफरेंशिएट इनटू, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। द मेमेलियन कार्पस ल्यूटियंस प्रोड्यूसेस, द मेमेलियन कार्पस ल्यूटियंस प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन। द स्ट्रस साइकिल इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ, द स्ट्रस साइकिल इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, मेमेलियल फीमेल अदर देन प्राइमेट्स। अब आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल और फिर एक और साइकिल है, दोनों साइकिल जो चलती है, जो अदर साइकिल है वो सी डी एस सी डी आर में चलती है, और फिर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चलती है वो चलती है गोरिल्ला में, फिर ह्यूमन में, और फिर एनसीईआरटी में टर्म दिए हुए हैं, तीनों चारों आप लोग याद कर लेंगे जो है। स्टेटम्स जर्मिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथीलियम, क्यूबाइटल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर ओवल्यूशन ग्रेफियन फॉलिकल्स रिग्रेस इनटू, आफ्टर ओवल्यूशन ग्रेफियन फॉलिकल्स रिग्रेस इनटू कार्पस ल्यूटियन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कार्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कार्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। विच सेट इज सिमिलर, कार्पस ल्यूटियन ग्रेफियन फॉलिकल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मेनली विच टाइप्स ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेस्टुरेशन साइकिल इन ह्यूमन बींग, ऑप्शन सी FSH, LH एंड इस्ट्रोजन। वेन बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्राम रेट, विच हारमोन्स इज डिक्रीज इन टू ब्लड, बोथ ओवरी, अगर दोनों ओवरी को रिमूव कर दिया जाए तो किस हारमोन की हमारे अंदर, फीमेल के अंदर पूछ रहा है, कमी आ जाएगी, इस्ट्रोजन की कमी आ जाएगी। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड, तभी तो जब फीमेल जो है 50 ईयर की हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीज हो जाता है, तो वहाँ पे उनको अदर्स प्रॉब्लम भी होने लगती हैं। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड, तो बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होती है वो एन आइदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूमन, ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूमन। ओवल्यूशन इन द ह्यूमन फीमेल्स नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एंड ऑफ प्रोलीफ्रेटिव फेज, प्रोलीफ्रेटिव फेज के बाद जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवल्यूशन जो है टेक्स प्लेस करता है। इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू दी गेट्स फर्टिलाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, इस्ट्रोजन सिक्रीशंस फर्दर डिक्रीज, इस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है कम हो जाता है। सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इमीडिएट काज ऑफ मेस्टुरेशन, प्रोजेस्टेरॉन, ये कह रहा है कि विड्रॉल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इमीडिएट काज ऑफ मेस्टुरेशन, इमीडिएट काज ऑफ मेस्टुरेशन प्रोजेस्टेरॉन, आपको पता होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवल्यूशन, आफ्टर ओवल्यूशन इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन सा पार्ट बिहेव करता है, ग्रेफियन फॉलिकल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी में राइट साइड पेज पर है। इन द ह्यूमन फीमेल्स मेस्टुरेशन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इन ह्यूमन फीमेल्स मेस्टुरेशन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द मेस्टुरेशन साइकिल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सिक्रीशन फेज एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ए मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिस, स्पर्म। ये ऑर्डर आप लोग याद करें, कब प्राइमरी कब सेकेंडरी इसको आप याद रखें, कब रिडक्स कब रिडक्शन डिवीजन होगा और कब मियाटिक डिवीजन होगा इसको आप याद रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्टली लाइकली रूट काज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेक प्लेस इन द रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल, ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। सेमिनाइनल प्लाज्मा इन द ह्यूमंस इज रिच इन, सेमिनाइनल प्लाज्मा जो रिच होता है फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम्स बट पुअर इन कैल्शियम, कैल्शियम की कमी थोड़ा सा कम होती है सेमिनाइनल प्लाज्मा में, सेमिनाइनल वेसल जो सिगरेट कर रहा है। सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली सेल आर फाउंड इन, जो सर्टोली सेल होता है वो सेमिनिफेरस टिबूस एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ऑफ द जर्म स्पर्म, इसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। वासा एफ्रेंसिया आर दी डक्टलेस लीडिंग्स फ्राम दी, वासा इफेंसिया आर दी डक्टलेस लीडिंग्स फ्राम दी रेटी टेस्टिस ऑफ दी वास डिफरेंस। सेमिनाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, सेमिनाइनल प्लाज्मा फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज भी लिखा है आप ध्यान रखेंगे फ्रक्टोज होता है। द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो अकर होता है अंडिल आफ्टर दी until after the ovum has been penetrating by the sperm, वहीं हो जाता है second maturation division। Which of the following statement about the human sperm is correct, human sperm के regarding कौन सा इसमें statement सही, the sperm lessens in the acrosome dissolve the egg develop fertilizing fertilization, option B इसका correct हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। द पार्ट ऑफ फाइलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इन फंडिबुलम, सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट द स्पर्म फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जहां से निकल रहा है FSH and LH, आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रॉल इज रिलीज फ्राम मेमेलियन ग्लैंड्स या मेमरी ग्लैंड्स विच इज रिच इन प्रोटीन एंटीबॉडीज एंड लो इन फैट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हारमोन्स मेंटेन्स द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एंड्रोजन। सीमेन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विथ, बी ऑप्शन हो जाएगा, स्पर्म। एजुकुलेशन ऑफ ह्यूमन मेल कंटेंस अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ऑफ विच ऑफ फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजिंग स्पर्म्स बट द नॉर्मल शेप एंड साइज एंड लीस्ट मस्ट सो ए एनर्जेटिक मोबिलिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 एंड 40। 40 के पास बहुत अच्छी खासी मोटिलिटी होती है और 60% ऐसे होते हैं जो नॉर्मल शेप साइज के होते हैं, फिर 200-300 जो है मिलियन स्पर्म जो है ये सीक्रेट होते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ओजेनेसिस फॉर्म ए मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसिडा सराउंडिंग इट्स सेकेंडरी ओसाइड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाई विच प्रोसेस स्पर्म्स रिलीज फ्राम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बाई विच प्रोसेस स्पर्म्स रिलीज फ्राम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बाई विच प्रोसेस स्पर्म्स रिलीज फ्राम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्मिएशन। विच आर द फॉलोइंग कंटेंट्स ए फ्लूड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम टर्सरी फॉलिकुलर ऑफ द ओवरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैच्योरेशन इज ट्रिगर्ड बाय ए सडन डिक्लाइन इन द ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, आइडेंटिफाई द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड, एम्पुला, प्रोस्टेट, बल्बोयूट्रल, नन ऑफ द अबव। ए एम्पुला, ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, आपको पता होगा एम्पुलरी स्थमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। द इमेच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद इन द रेफरेंस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोजोम्स अंडर द सेकेंड मियाटिक डिवीजन।
मैच दी फॉलोइंग, इसको आपको मैच करना है। तो आइए हम धीरे से मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा चौथा, हेड हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, हेड कंटेंट कर रहा है। मिडिल पीस माइट्रोकांडिया कंटेंट कर रही है, जो कि स्पर्म को मोटिलिटी मतलब नहीं एनर्जी, एनर्जी बोल रहा है तो माइट्रोकांडिया। तो बी का हो जाएगा थर्ड, एक्रोसोम कंटेंट एंजाइम कर रहा, हाइड्रोनोलाइजेज एंजाइम होती है। और इसके बाद टेल जो है ये स्पर्म को मोटिलिटी के लिए हेल्प कर रहा है। तो ऑप्शन जो है ये हो जाएंगे सारे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो सेल डिविजन्स इवॉल्व इन स्पर्मियोजेनेसिस, द सेकेंड डिवीजन इन सेकेंडरी ओसाइट इज सस्पेक्टेड एट, ए हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड। कनेक्टिव टिश्यू अराउंड सेमनीफेरस टिब्यूस पोजेज एंडोक्राइन सेल कॉल्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा लीडिंग सेल। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इंटू स्पर्मिस, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इंटू स्पर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोरोना रेडिएटा इज मेड अप ऑफ, कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल अराउंड द ओसाइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम सेकेंडरी ओसाइट, इसको आप लोग मैच कर लेंगे। जो यहाँ पे करेक्ट मैच है वो ए है, ए ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ट्रोपोब्लास्ट होता है, आउटर लेयर ऑफ होती है, और जो क्लीवेज होता है ये क्लीवेज क्या करता है, डिवीजन करवाता है, मियोटिक डिवीजन। इनर सेल मास होती है, इनर सेल मास जो होती है ग्रुप ऑफ सेल होता है जो डिफरेंशिएट होता है आगे चल के। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि इम्बेडिंग होता है ब्लास्टोसिस्ट का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट मैच होगा। कार्पस ल्यूटियम से डेवलप फ्रॉम, कार्पस ल्यूटियम जो है ग्रेफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम होता है वो लेटरल फॉर्म ऑफ कार्पस एल्यूकेंस का लेटरल फॉर्म होता है, लेटर फॉर्म होता है कार्पस एल्यूकेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द सेल विच अंडर गो मियोसिस फर्स्ट ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी क्वेश्चंस की संख्या और है, वीडियो को हमको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि एडिट भी इसको करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा त्रुटियां हो गई हैं, तो इसको वीडियो को एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। वीडियो कम से कम 22-23 मिनट में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे अप्रॉक्स 39 पेज हो चुका है, एक पेज में लगभग 3 क्वेश्चन हैं, तो लगभग अभी 10-12 पेज और होने हैं। तो मतलब अभी इसमें 25-30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं।